इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता यस वॉरियर्स। सो कैटेगरी बी स्टूडेंट्स, आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी आ चुकी है और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो यू आर इन 75+। आप 75+ कैटेगरी में होंगे, 75+ परसेंटेज ला सकते हैं बहुत ही ईजिली। सो स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी सी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है या आपके फ्रेंड कैटेगरी सी से हैं तो प्लीज सजेस्ट करें उन्हें वो वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दें कि वी आर एक्साइटेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। देखिए यहाँ पे टाइम कम है क्योंकि अगर आप डे काउंट करेंगे तो जस्ट 10 डेज आर लेफ्ट। सो यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक इंसान को बोला गया, दो इंसान को बोला गया कुएं से पानी निकालने के लिए। ये वेल है, कुआं, ठीक है। अब यहाँ से एक बंदा है जो रस्सी से खींच के पानी निकाले जा रहे हैं, वो हार्डवर्क कर रहा है, बहुत हार्डवर्क कर रहा है, लेकिन वो आउटपुट उतना नहीं दे पा रहा। दूसरे बंदे ने क्या किया, एक मशीन बना दी, एक बुली बना दी जिसके ऊपर रस्सी ऐसे लगा के और ऐसे से खींच सकते हैं। अब वहाँ पे वो बैठे बैठे बहुत सारा पानी निकाल रहा है, तो उसने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कैसे करें वो करना है। अब आपके लिए बोनस टिप है। व्हाट इज़ द बोनस टिप? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस टिप है आप लोगों के लिए। फर्स्ट है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी करनी है, ग्रुप बनाना है, ग्रुपिज्म करना है, लेकिन कैसे ग्रुप बनाना है वो सुन ले। अपने फ्रेंड्स का 3 का ग्रुप बनाना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का ग्रुप नहीं बनाना है। 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, ठीक है। इस चीज को अगर, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपने आधा स्ट्रेटजी समझ लिया। अब 3 बच्चों का जो ग्रुप है वो कैसे बनाना है, 3 स्टूडेंट ऐसे लेने हैं जो आपके ही जैसे हो, आपके फ्रेंड हो। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को लेना है, 1, 2, 3, एक ट्राइंगल बनाना है 3 स्टूडेंट्स का। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं SST का चैप्टर, SST के आपके पास हैं 3 चैप्टर। अगर आप 3 चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसके क्वेश्चन समझेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें आनी है, वर्कशीट, पेपर, सब कुछ कवर करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अब हम इन 3 चैप्टर को एक एक बच्चे को डिवाइड कर देते हैं। एक बच्चे को 1 चैप्टर दे दीजिए, दूसरे को 1, तीसरे को 1, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब एक एक बच्चे को जो जो चैप्टर डिवाइड किया गया है उस बच्चे को एक एक के पूरा तैयार करना है। हर स्टूडेंट को 1 चैप्टर पूरा तैयार करना है और बाकी 2 को पढ़ाना है, ठीक है। कैसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे है राहुल, दूसरा है प्रीति, तीसरा है समीर, ठीक है। 3 बच्चे हैं, राहुल, प्रीति एंड समीर। फॉर एग्जाम्पल 3 चैप्टर हैं। एक बच्चे को दे दिया ज्योग्राफी, एक को दे दिया हिस्ट्री, एक को दे दिया पॉलिटी। अब क्या करेगा समीर, क्या करेगा, ज्योग्राफी को पढ़ेगा, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करेगा, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेगा वर्कशीट से, NCERT से। और ये क्या करेगा, ये हिस्ट्री का चैप्टर अच्छे से राहुल तैयार करेगा और प्रीति पॉलिटी का बहुत अच्छे से तैयार करेगी। अब तीनों एक साथ बैठेंगे, समीर जो है एक एक दिन का तीनों को टाइम दिया जाएगा। अब समीर जो है वो ज्योग्राफी जो इसने तैयार किया है वो इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा देगा। जो जो क्वेश्चन इसने मार्क किए हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन वीडियो से कहीं से भी इसने तैयार किया है वो इन बच्चों को बता देगा, चाहे तो फोटो खींच के चाहे तो लिख के। वैसे ही अब दूसरा बच्चा क्या करेगा, जो उसने तैयार किया है वो इन दोनों को पढ़ाएगा, और तीसरा बच्चा जो प्रीति है वो समीर और राहुल को। तो आप बोलेंगे कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते या आपके घर बहुत दूर दूर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ग्रुप स्टडी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे, आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जो नोट्स है उसे शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को फोटो खींच के। इसके अलावा अगर आपका घर पास में है तो आप एक के घर पे बैठ के तीनों तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर स्कूल में एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसा भी सुटेबल हो उस चीज़ को फॉलो करके। ये बहुत इफेक्टिव है, और अगर आप 1 चैप्टर बाकी 2 बच्चों को पढ़ा देते हैं तो वो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा। तो ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है, ये टेक्निक मैंने भी फॉलो की है, बहुत अच्छी टेक्निक है। बस आपको अपने जैसे स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं जो सीरियस हो, और 10 डेज बचे हैं इसलिए आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस आगे सारे सब्जेक्ट को कैसे डील करना है और क्या पढ़ना है वो मैं बताने वाली हूँ। पहले आपके लिए ये बोनस पॉइंट था। दूसरा, मेक शॉर्ट नोट्स। जो चीज़ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसका शॉर्ट नोट बना ले, ठीक है। यानी किताब एक रफ पेज या वाइट पेज शीट ले ले और जो जो पढ़ रहे हैं उसको 4-5 लाइन में लिख लें। जैसे कि आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा लेकिन अगली बार जब पेपर में दोबारा वो सारा ना पढ़ना पड़े, उसके लिए छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिख ले, कुछ कुछ पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख ले, जिन लाइन को पढ़ते ही आपको पूरा ये 10 पेज का कंटेंट याद आ जाए।
गए। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट तैयार करने हैं, ठीक है। एक ग्रुप स्टडी, दूसरा शॉर्ट नोट, और ग्रुप जो है वो 3 बच्चों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे चलना है उस पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक में इन बच्चों को क्या पढ़ना है। तो मैथमेटिक के आपके ये सारे चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं, तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। करना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैथ्स के जो ये चैप्टर हैं यहाँ से आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे, और 40 अगर हो जाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मेरे पास पासिंग हो चुका है। उसके बाद चैप्टर 2 और 6 प्रिपेयर करना है, फिर चैप्टर 13 प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, और मैथ्स में भी ये चीज़ डिवाइड कर सकते हैं, वही आपका ग्रुप स्टडी जो चैप्टर बचा है उसे 3 बच्चों में डिवाइड करके और प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोट क्या है, नोट ये है प्रिपेयर विद एनसीईआरटी, इन चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है। अब एनसीईआरटी में अगर 50 क्वेश्चन है एक चैप्टर में और 50 क्वेश्चन नहीं करने, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि उस चैप्टर को वर्कशीट पर जाना है, और वर्कशीट में जो जो क्वेश्चन, लाइक अगर 1 चैप्टर कर रहे हैं तो 1 चैप्टर में वर्कशीट में जो जो क्वेश्चन 1 चैप्टर के आए हैं केवल उन्हीं को करना है, बाकी क्वेश्चंस को नहीं करना है, ठीक है। और भी इफेक्टिव करना चाहते हैं तो वर्कशीट में 1 चैप्टर में पहले जो कराया गया था, फिर रिवीजन में 1 चैप्टर से जो जो क्वेश्चन दोबारा करवाए गए केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ पे वर्कशीट काम आएगी रिवाइज करने के लिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉल्व प्रैक्टिस पेपर सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल में आपको 3 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, 3 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। उन 3 प्रैक्टिस पेपर को में से कम 2 पेपर जरूर कर लें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है और आएगा भी। तो इसलिए प्रैक्टिस पेपर को ज़रूर कर ले, मतलब आपको इन चैप्टर्स के क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से नहीं करने, इन चैप्टर के क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी से करने हैं, लेकिन सपोर्ट मटेरियल से केवल प्रैक्टिस पेपर करना है। 3 प्रैक्टिस पेपर, सपोर्ट मटेरियल के एंड में 3 प्रैक्टिस पेपर दिए हैं, उसमें से कम 2 सॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर ज़रूर कर लें, और चैप्टर्स को करना है एनसीईआरटी से। 13 चैप्टर में फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। ये था मैथ्स का। नेक्स्ट चलते हैं साइंस में। साइंस में आपके जस्ट 5 चैप्टर आ रहे हैं, 2, 5, 8, 9 और 13, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको चैप्टर को ब्रीफिंग करने के लिए, समझने के लिए अगर टाइम कम है, जो चैप्टर बचा है तो उसको सपोर्ट मटेरियल से पढ़ना है। सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन आंसर नहीं करना, देखना जस्ट रीड चैप्टर एक्सप्लेनेशन, नॉट सॉल्व क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं सपोर्ट मटेरियल से। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है 2 पेज में 3 पेज में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पर डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखी हुई है, वहाँ से सपोर्ट मटेरियल से जो चैप्टर आपका बच रहा है उसे सपोर्ट मटेरियल से पढ़े, और जरूर पढ़े, वहां से आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई चैप्टर बच रहा है तो उसे सपोर्ट मटेरियल से फटाफट से केवल एक्सप्लेनेशन, नॉट सॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। इसके बाद आपको क्वेश्चन कौन से करने हैं, वर्कशीट। वर्कशीट में इन 5 चैप्टर को उठाइए, जब जब ये वर्कशीट में पढ़ाया गया था और इसमें वर्कशीट के जो क्वेश्चन कराए गए थे केवल उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और वर्कशीट में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं। इसके बाद सॉल्व न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल कौन से सॉल्व करने, क्योंकि 8 और 9 फिजिक्स का चैप्टर है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल कौन से सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इन वर्कशीट एंड एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल। वर्कशीट में जो न्यूमेरिकल आया है, मतलब क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो करना है, और एनसीईआरटी में जो सॉल्व्ड एग्जांपल हैं, यानी हर टॉपिक के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल दिया होता है एक बॉक्स बनाकर, उसको केवल करना है, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जांपल को कर लो, और इतना आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, बस इतना ही करना है, समझ गए। सपोर्ट मटेरियल से आपको केवल एक्सप्लेनेशन देखनी है, जो चैप्टर नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। वर्कशीट से केवल क्वेश्चंस करने हैं, और न्यूमेरिकल करने हैं आपको वर्कशीट से, और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल करने हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, सोशल साइंस की स्ट्रेटजी। तो सोशल साइंस में देखिए 20 मार्क ईच सब्जेक्ट डिवाइड है, यानी कि आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 20 20 20 20 20 में डिवाइड है, 80 डिवाइड बाय 4 यानी 20 फॉर ईच। तो सबसे पहले हिस्ट्री को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि एक चैप्टर में 20 नंबर मिल रहा है। इसके बाद इकोनॉमी में को तैयार कर लें, 20 नंबर 2 चैप्टर में, पॉलिटी 20 नंबर अगेन 2 चैप्टर में, देन गो टू द ज्योग्राफी। ऑलराइट, यहां पे 3 चैप्टर मिल रहा है। और इसके बाद अब आपको कैसे करना है, इनको कैसे
कैसे पढ़ना है, तो लर्न क्वेश्चन फ्रॉम वर्कशीट। अब इसमें भी आपको वही ट्रिक अपनानी है कि केवल और केवल इन चैप्टर को आपको उठाना है, वर्कशीट में जो इसके क्वेश्चन आए थे 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 3 मार्क वाले, वो क्वेश्चन को याद कर लो। और इसमें भी आप लोगों को वही जो ग्रुप स्टडी है, ग्रुप स्टडी इज की, ग्रुप स्टडी आपके लिए की होगी, चाबी होगी, क्योंकि ग्रुप स्टडी को ही फॉलो करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है जो ग्रुप बी में वो स्टूडेंट्स हैं जो 50% सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, तो आपने आधा तो पढ़ ही लिया होगा। मान लो आप लोगों का ज्योग्राफी का एक चैप्टर बचा है, आपके दोस्त का पॉलिटी का, और एक फ्रेंड का इकोनॉमी का। अब क्या करो, सब एक एक चैप्टर डिवाइड कर लो, ठीक है, कि तू ये ले ले, तू ये ले ले, मैं ये ले लेता हूँ, और उसके बाद तीनों एक टाइम पर पढ़ा दो, ठीक है। वीडियो कॉल करो, और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जैसे जो चैप्टर मिल रहा है, आपको एक चैप्टर मिला, अब आप उस चैप्टर के देखो वर्कशीट में कौन कौन से क्वेश्चन है, उसकी एक आध वीडियो देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। सारा कंटेंट, मतलब जो चैप्टर आप तैयार करो वो इतने अच्छे से तैयार करो कि टीचर भी ना पढ़ा पाए वैसे, ठीक है। वैसे आपको पढ़ाना है अपने दोस्त को, और आपका दोस्त की भी यही जिम्मेदारी है कि वो भी आपको वैसे ही बताएगा कि भाई इतने क्वेश्चन कर ले, ये 10 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको एक दूसरे को तैयार करना है। तो जितने में आप 3 करते, ठीक है, मतलब जितने में आप, मतलब ये पूरा करने में टाइम लगता, उतने मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा कर लोगे, 3 घंटे में आप 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लोगे, यानी 3 लोग आपको बांटना है, ठीक है, और इस तरीके से चीज़ को कंप्लीट करना है। सारे सब्जेक्ट के लिए वो इस ग्रुप स्टडी वाला प्लान फॉलो करना है। इसके बाद लैंग्वेज में मैं बता दूँ, लैंग्वेज में फेल तो कोई नहीं होता, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हाउ टू अचीव गुड मार्क्स, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे मार्क्स अटेंड करने के अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप कुछ स्मार्ट वर्क कर सकते हो, जैसे लर्न पोयम एंड पोइट नेम। आपकी जो 2 या 3 इंग्लिश में पोयम्स आ रही हैं, उसमें पोयम और पोइट के नाम याद कर लो, कि जैसे ही उसकी लाइंस आप पढ़ो, पोयम तो पढ़ रखी है, जैसे द रोड नॉट टेकन, जैसे उसके लाइंस पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा ना इस पोयम का है, तो उसका पोयम का लाइंस पढ़ के पता चल जाएगा ये पोयम है द रोड नॉट टेकन, और इसके पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसी तरीके से आपकी जो जो पोयम्स आ रही हैं मिड टर्म में, उसके पोयम और पोइट के नाम पहले से याद रखो, क्योंकि जब पोयम का स्टेंजा आता है तो वहां पे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद प्रिपेयर लेटर एंड पैराग्राफ ऑन कोविड। आपका लेटर और पैराग्राफ जो है कोविड पे आ सकता है, तो इसके लिए वर्कशीट में भी कराया गया है, तो पहले से याद करके प्रिपेयर करके रखो। लेटर फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, जैसे फ्रेंड को लेटर लिखो कि आप बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाए ड्यू टू कोविड, या गिफ्ट नहीं सेंड कर पाए ड्यू टू कोविड, या फिर फॉर्मल लेटर में कि स्कूल की प्रिंसिपल को सजेस्ट करते हुए कि कुछ गाइडलाइन बताएं आपको, ठीक है, स्कूल की पढ़ाई को लेकर। तो इस तरीके के कोविड को लेकर जो भी पैराग्राफ या लेटर कराए गए हैं उन्हें प्रिपेयर करके रखो। डायरी एंट्री आपको बार बार करवाई गई है, रिवीजन में भी करवाई गई है, तो डायरी एंट्री मस्ट प्रिपेयर्ड, ऑलराइट, डायरी एंट्री आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद संवाद इन हिंदी, संवाद बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में आ सकता है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, संवाद में जब भी बोलते हैं ना, दो लोगों की कन्वर्सेशन, मतलब 3 डायलॉग एक बंदे के, 3 डायलॉग दूसरे बंदे के, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच, 2 आंटियों के बीच, 2 बच्चों के बीच, ठीक है। तो उसको आप अपने आप को एज्यूम कर लो कि आप किसी से बात करोगे तो कैसे मिलते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, हाय, नमस्ते, ठीक है, जो भी कैटेगरी का लोग है उसके हिसाब से देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ रिप्लाई करेंगे। तो अपने आप को उस जगह पर रख के जैसे कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, और उस चीज़ को आप लिख सकते हो। निबंध लेखन पे मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि निबंध 10 नंबर का आ सकता है, तो इसलिए अगर आप निबंध कैसे लिखें बेटर तरीके से, वो वाला वीडियो जरूर देख लेना निबंध लेखन का। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स करके, क्वेश्चन आंसर तो सब बच्चे करते हैं, ये चीज़ें एक्स्ट्रा करके आप अपने मार्क्स इंग्लिश हिंदी में इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद प्रिपेयर इंग्लिश विद सपोर्ट मटेरियल। आपको जब इंग्लिश पढ़ना है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मटेरियल का यूज़ करना है फॉर चैप्टर्स, आपको चैप्टर्स के लिए यूज़ करना है। चैप्टर्स में जो वैल्यू पॉइंट हैं, वैल्यू पॉइंट को याद कर लो, मूवमेंट और बिहेव दोनों में जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, जो चैप्टर को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन से याद नहीं किए, उसके वैल्यू पॉइंट को याद कर लो। अगर 10 वैल्यू पॉइंट है, 10 वैल्यू पॉइंट याद कर लेते हो, आपने उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू एबल टू राइट द आंसर, ऑलराइट। तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी है इंग्लिश हिंदी संस्कृत के लिए। आई होप आप समझ गए हो, आपके लिए बेस्ट की है ग्रुप स्टडी। तो आपको ग्रुप स्टडी के लिए आज ही अपना ग्रुप बनाना है। आप देख लो कैसे कंफर्टेबल है, स्कूल में मिल सकते हैं, या फिर घर में जाके एक फ्रेंड के पढ़ सकते हैं, या फिर
ऑनलाइन, और अगर ऑनलाइन पेरेंट अलाउ नहीं कर रहे तो आप लोग अपने पेरेंट को साथ में बिठाएं, बताएं और फिर वीडियो कॉल में करके फ्रेंड्स को समझाएं या पढ़ाएं, जैसे भी सुटेबल है वो चीज़ फॉलो करें। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम को फॉलो कर लें और साथ में खबरी पे भी फॉलो कर लें, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ फॉलो करें। मैं जब स्कूल में थी तो मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती थी, इनफैक्ट व्हेन आई एम इन कॉलेज आई आल्सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।